उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर है। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्मेंस का स्पीड को दुनिया बड़ी उत्सुकता से देख और सराह रही है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज स्व से साक्षात कर रहा है। अपने टैलेंट, ट्रेडिशन और पोटेंशियल को पहचान कर सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। यहां आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी पूरा ध्यान है। विकास और बदलाव के इस क्रांतिकाल में कतिपय लोग भले ही अपने कुत्सित मंशा से समाज में वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को चुनौती देना चाहते हैं, जाति और पंथ के नाम पर समाज में विष घोलने वाले ऐसे स्वार्थी तत्वों को झूठ, छल और प्रपंच के सहारे षड्यंत्रों को हमें सफल नहीं होने देना है। अफवाह फैलाने वाले ऐसे नीच स्वार्थी तत्वों को हमें पहचानना होगा। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने आस पड़ोस में घटित हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं रह सकते। जो ताकतें आज हमारे देश के पड़ोस में मानवता को शर्मसार करते हुए अराजकता की धुंधली बजा रहे हैं, वही हमारे गांव, नगर और कस्बे के सामाजिक सौहार्द को भी मिटाने का कुचक्र रच सकते हैं। हमें इन विभाजनकारी ताकतों को पहचानना होगा, इनसे सावधान रहते हुए इनके कुत्सित प्रयासों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा।